Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो हो ना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। जहां एक और दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, वहीं चीन कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। चीन के अंतरिक्षयान चांग E5 को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतार दिया गया है। चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कामयाबी की जानकारी देते हुए बताया कि अंतरिक्षयान चंद्रमा की सतह पर पूर्व निर्धारित जगह के बिल्कुल पास उतरा है। इस मिशन को चीन के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के जरिए 24 नवंबर को लॉन्च किया गया था। इस मिशन के जरिए चीन चंद्रमा के बारे में जानकारी जुटाएगा, जिससे वहां मानव बस्तियां बसाने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की सतह पर 44 साल बाद ऐसा कोई अंतरिक्षयान उतरा है जो वहां से नमूना लेकर वापस लौटेगा। इससे पहले रूस का लूना 24 मिशन 22 अगस्त 1976 को चांद की सतह पर उतरा था। तब लूना अपने साथ चांद से 200 ग्राम मिट्टी लेकर वापस लौटा था, जबकि चीन का ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ 2 किलोग्राम मिट्टी लेकर वापस आएगा। चीन के 2 मिशन चांद की सतह पर पहले से ही मौजूद हैं। इनमें चेंग E3 नाम का स्पेसक्राफ्ट 2013 में चांद की सतह पर पहुंचा था, जबकि जनवरी 2019 में चेंग E4 चांद की सतह पर लैंडर और U2 रोवर के साथ लैंड किया था। बता दें कि ये मिशन अब भी एक्टिव है।